हेलो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये अरब कंट्री का एक है, मिडिल ईस्ट में इसका बहुत यूज किया जाता है चाय के लिए, और इसका शरबत पीने के लिए। इसका नाम है करकदे, जिसको मैंने इंडिया में ग्रो किया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रो हुआ है। मैं इंडिया में इसका बीज लेके गया था, रमज़ान के दिन में इसका मैंने शरबत भी पिया, और जो बीज मिल रहा था उसको मैंने ग्रो कर दिया। देख सकते हैं आप बीज कितना इतना ग्रो हुआ है। इसको ज़मीन में लगा दिया मैंने, करीब 1 महीने के बाद ज़मीन में इसको लगा के अच्छे से पानी देता रहा। आप देख सकते हैं दूर दूर पे जगह पे लगाया मैंने, और धीरे धीरे आप इसको देख सकते हैं, इसका मैंने वीडियो बनाता रहा। आप देख सकते हैं ये ऐसे ऐसे कर कर के फिर बढ़ते गया। जैसे जैसे ग्रो हुआ मैंने इसका वीडियो बनाता रहा आपको दिखाने के लिए। जब ये पूरा कंप्लीट हो गया फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ, सभी को जोड़ करके, सभी वीडियो क्लिप को जोड़ करके। ये बैगन भी मैं ले गया हूँ, इसको मैं डिटेल में बताऊँगा वीडियो बाद में बना के। देख सकते हैं आप धीरे धीरे ग्रो हो गया है, कितना बड़ा हो गया है। ये देख सकते हैं आप, जुलाई में, ये जुलाई का लास्ट का महीना है। आप देख सकते हैं ये इतना ग्रो हो गया है। इसमें कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो आप देख सकते हैं ये इसकी जो तना है, आप देख सकते हैं बिल्कुल रेड हो चुका है। अब ये कुछ दिन के बाद फ्लावरिंग इसमें लगेंगे। बीच में बारिश ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा पत्ते इसके गल भी गए हैं, देख सकते हैं आप, ज़मीन पे गिरने की वजह से। फिर भी इसको कैसे खड़ा करके रखा गया आप देख सकते हैं, और फ्लावरिंग इसमें आने वाला है टाइम। तो आप भी इंडिया में ले जाके इसके बीज बीज जो है इसको आप ग्रो कर सकते हैं। ये हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, और इसका चाय और शरबत दोनों बनता है। तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं, और इस देख सकते हैं यहाँ पे तो मिडिल ईस्ट में बहुत ही यूज होता है इसका, बहुत ज़्यादा यूज होता है मिडिल ईस्ट में। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्रीटेक ज्ञान यूट्यूब चैनल।